हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि WCL के लिए या कोल इंडिया की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी सब्सिडरी के लिए या कोई भी प्राइवेट का भी जॉब निकलता है, उसमें भारत में कोयला का इतिहास के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि फलना कंपनी कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ था माइनिंग भारत में, कैसे कैसे उसका ये सब चीज़ हुआ, उस सब के बारे में आज हम लोग वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि सारा पॉइंट कवर हो जाए, बट अगर कुछ छूटता है तो फिर देखा जाएगा इन फ्यूचर क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा मिनरल है जिसका एक्सकोवेशन एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिसमें कोल है, आयरन है, आयरन ओर है, जिसमें हेमेटाइट मैग्नेटाइट बेसिकली है, बट उसके साथ ही साथ आयरन पाराइड भी है, मैग्नीशियम है, माइका है, उसके बाद बॉक्साइट है, टाइटेनियम है, क्रोमाइट है, डायमंड है। ठीक है, डायमंड का पन्ना में माइंस है मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली ये सभी चीज़ों का माइनिंग भारत करता है, जिसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा करता है, और भी बहुत सारे मिनरल है, फेल्सफर वगैरह बहुत कुछ है, बट इन चीज़ों का ज़्यादा करती है, जिसमें कोयला और लिग्नाइट का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब भारत जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कोयला और लिग्नाइट का कंट्री है पूरा दुनिया। ठीक, इसके बाद एक बैराइट्स करके भी मिनरल होता है, बैराइट्स, वो उसका भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, माइका का सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आयरन और बॉक्साइट वगैरह का भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा करता है। इसके बाद अब हम लोग कोयला का इतिहास पे जाते हैं कि आखिर कोयला का स्टार्टिंग कब हुआ था। तो देखिए, ऐसा है कि भारत में 1774 में दो अंग्रेज थे, एक का नाम था जॉन समनर और एक का नाम था सस्टेनियस ग्रांट हैटली। ठीक है, जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हैटली, ये दोनों जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस टाइम का तत्कालीन, है ना, तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने जॉन समनर और सस्टेनियस ग्रांट हैटली को बोला कि भैया जाइए, जाके पता लगाइए कि भारत में किस जगह पर कोयला है। तो ये दोनों बहुत जगह पर रिसर्च किए। इसके बाद रानीगंज कोलफील्ड हुआ करता था उस टाइम, कोलकाता राजधानी हुआ करता था, तो रानीगंज कोलफील्ड कोलकाता से थोड़ा सामने पड़ता था, थोड़ा मतलब बाकी एरिया के कंपैरिजन में सामने पड़ता था। तो रानीगंज कोलफील्ड के एरिया में कोयला का पता लगाया गया, तो पता चला कि रानीगंज कोलफील्ड में बहुत अच्छा खासा कोयला है और काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, जो कि दामोदर नदी का वेस्टर्न किनारा पे, ठीक है, यानी पश्चिमी किनारा पे उपस्थित था। तो रानीगंज कोलफील्ड में कोयला का प्लानिंग किया गया, और उस टाइम के एक राजा थे, ठीक है, है ना, उनका टैगोर टाइटल था, टैगोर। तो टैगोर साहब जो राजा थे, चूँकि उनका बहुत ज़्यादा पावर चलता था उस जगह पे, है ना, रानीगंज कोलफील्ड में उनका बहुत ज़्यादा सत्ता चलता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैगोर साहब के साथ मिल के एक माइनिंग स्टार्ट किया 1774 में। तो भारत में सबसे पहली बार 1774 में रानीगंज कोलफील्ड में कोयला का खनन स्टार्ट किया गया था, कोयला का माइंस स्टार्ट किया गया था। जो पहला माइंस था वो अंडरग्राउंड माइंस था, ठीक है, और बोर्ड एंड पिलर मेथड काम करता था। तो देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि उस टाइम लाइट वगैरह था नहीं, कुछ ज़्यादा था नहीं, तो ऐसे ही लालटेन वगैरह से, मसाल से, इन चीज़ों से माइनिंग किया जाता था। तो ऐसा काफ़ी लंबा टाइम तक चला था, ठीक है। बाकी बाद में जाके एक दुर्घटना भी हुआ था खुला बत्ती का प्रयोग करने के लिए 1968 में, उसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, ढोरी कोलियरी में हुआ था, ठीक है, 1965 में हुआ था शायद, ठीक है। तो जब पहली बार 1774 में माइनिंग स्टार्ट किया गया, तो स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे 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 उसको डेवलप किया गया, उसको देखा देखी बाकी भी रीजन पे, जो कि धनबाद जो रीजन था, ठीक है, उस टाइम बिहार हुआ करता था, है ना, बिहार में बहुत ज़्यादा कोयला का प्रचुर मात्रा में मिला, तो बिहार में माइनिंग स्टार्ट किया गया था। उसी तरह से सिंगरैनी तरफ में, सिंगरैनी यानी कि जो साउथ वाला साइड है, वहाँ भी कोयला का काफ़ी अच्छा मात्रा मिला, तो वहाँ भी प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम दिक्कत ये था कि मजदूरों का शोषण किया जाता था, जी हाँ, मजदूरों का शोषण किया जाता था। तो हुआ ये ऐसा था कि उस टाइम, ठीक है, उस टाइम होता ऐसा था कि हर मजदूर को एक टोकन दिया जाता था, ठीक, उस टोकन में कुछ नंबर लिखे होते थे, वही नंबर उस एम्प्लॉय का, उस मजदूर का पहचान हुआ करता था कि इसी नंबर से इस मजदूर को जाना जाएगा।
ऐसा ही दुर्घटना हुआ था एक दुर्घटना हो चुका था 1965 में, जो ढोरी वाला बताया चिनाकुरी माइन से बहुत सारा आग वाला डिजास्टर हुआ। तो वो सब में क्या हुआ, व्यक्ति का मौत हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, 268 लोग मरे थे ढोरी में, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, 1978 में जब माइंस रूल को फिर से सुधारा गया, तो उस टाइम एक सिस्टम ऐड कर दिया गया कि जब कभी भी कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति ड्यूटी करने के लिए जाएगा तो उसको टोकन दिया जाएगा जो कि लोहा का होगा या मेटल का बना होगा। वो टोकन में नंबर रहेगा, क्योंकि धोरी कुलेरी में जो डिजास्टर हुआ था उसमें व्यक्ति का लाश भी पहचानना दिक्कत हो गया था, इसी के लिए वो सब किया गया था। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग किए थे कि कोयला का माइनिंग कैसे स्टार्ट हुआ था। देन 1890 के आसपास में, 1890 में जो एक अंग्रेज हुआ करते थे लॉर्ड क्रॉस, उनका नाम था लॉर्ड क्रॉस, उन्होंने ये कहा था कि जो वो उस टाइम स्टेट ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के, है ना, तो उन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाए। तो पहली बार जो इंस्पेक्टर का प्रोविज़न आया था, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करके, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, सुपरविज़न के लिए, तो उसके लिए 1890 में प्रपोजल डाला गया था लॉर्ड क्रॉस के द्वारा, जो कि एक अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक। इसके बाद 1901 में पहली बार माइंस एक्ट बनाया गया था, ठीक है, 1901 में पहली बार माइंस एक्ट बनाया गया था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाया गया था, मतलब उस टाइम अंग्रेज शासन हुआ करता था। उससे पहले का अगर हम बात करें कि उससे पहले क्या था, तो उससे पहले जनरल क्लॉजेज एक्ट नाम का एक ठो एक्ट था, ठीक है, जो कि 1897 में जनरल क्लॉजेज एक्ट चला करता था, जिससे अंग्रेज क्या करते थे, बहुत ज़्यादा शासन कर रहे थे एक तरह से बोला जाए। देखिए इसमें ऐसा है कि जो बोर्ड मेंबर थे, जो कमेटी हुआ करता था उस टाइम का, कमेटी 1897 के हिसाब से, माइंस एक्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम कमेटी में जो मेंबर हुआ करते थे वो ही सत्तावादी थे, तो उसमें भारतीय का जगह नहीं था। और भारत के लोग अगर चल भी जाते थे तो अगर प्रपोजल देते थे 3 महीना के बाद ही था कि अगर ड्राफ्ट बनाया जाता 3 महीने के बाद ही आपका सजेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उससे पहले नौकरी से निकाल देना, हटा देना, ठीक है, कोई कारण से उसको डिसमिस कर देना या उनकी बातों को दबा देना, ऐसा होता था। तो ऐसे करके काफ़ी लंबा टाइम तक चला था। देन माइंस एक्ट बनाया गया था 1952 में, ठीक है, पहली बार तो 1901 में बनाया गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1952 में पहली बार एक्ट बनाया गया। एक्ट के बाद धीरे धीरे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, माइंस रूल बनाया गया 1955 में, ठीक है, वीटी रूल बनाया गया, है ना, कोल माइंस का हेड पिट बाथरूम बनाया गया 1959 में, ऐसे करते हुए धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेज आए। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे का सालों का। एक्चुअली ये मेरा ईबुक है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत से लोग लिए थे इसको ऑलरेडी, तो ये ईबुक में ही ये पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है कोल इंडिया का कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, और बाकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, जैसे ECL है, BCCL है, CCL है, NCL है, सब के बारे में दिया हुआ है कैसे स्टार्ट हुआ था, NCDC है, ठीक है, कोल इंडिया के बारे में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली उसके बाद 1956 का जो टाइम था, एक्चुअली 1945 में एक कंपनी हुआ करती थी SCCL, जिसका पूरा नाम था सिंगरेनी कोलियरीज कोलफील्ड लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाद में किया गया, पहले वो कोलियरी लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये एक कंपनी थी जिसको 1956 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट था, जो कि एक सरकारी, मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट था, वो उसको अपने अधिकृत में ले लेता है, मतलब उसको सरकारी बना देता है। एक प्राइवेट कंपनी SCCL को सरकारी कंपनी घोषित कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1956 में। इसी के साथ सबसे पहला सरकारी कंपनी 1956 में SCCL को बना दिया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहला सरकारी कंपनी कौन सा है, तो भूल के भी कोल इंडिया लिमिटेड का नाम नहीं लीजिएगा, वो कब सरकारी कंपनी नहीं है। पहला आंध्र प्रदेश का जो SCCL कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, जो 1956 में बनाया गया था, मतलब उसको अपना अधिपत्य में ले लिया गया था, उसको सरकारी घोषित किया गया था। इसके बाद एक कंपनी है NCDC, ठीक है, NCDC, ये जो कंपनी है NCDC, ये 1956 में बनाया गया था, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मुहिम कहा जाता है, ठीक है। यहीं से कोल इंडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, कैसे बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी था NCDC, जो कोल के सेक्टर में कुछ काम कर रहा था, इससे पहले सारे का सारा प्राइवेट कंपनी था। तो इसमें क्या होता था,
इसमें बेसिकली कोल का स्टॉक का पता लगाना कि कहाँ कितना कोयला है, कोल का रेशियो कितना है, कौन कौन सा स्टेट में कितना मात्रा में कोयला है, ठीक है, ये सारा चीज़, यहाँ तक कि रिसर्च करना कोयला का क्वालिटी क्या है, कितना उसका यूवी है, मतलब यूजफुल हीट वैल्यू है, ये सभी चीज़ों का एनालिसिस NCDC करता था, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी था। इसके बाद दौर आता है 1971-72 का। इस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इसी टाइम पहली बार भारत में कोयला को नेशनलाइज किया गया था, यानी राष्ट्रीयकृत किया गया था, सरकारी किया गया था। इससे पहले सारी कंपनी प्राइवेट हुआ करते थे, है ना, तो इस टाइम पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा 1971 और 72 के बीच मध्य में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, उस टाइम एक इमरजेंसी प्रोविज़न एक्ट 1972 पास किया गया था, और इसी के हिसाब से इसको दो भाग में पास किया गया था, फेज़ 1 फेज़ 2। 1971 में पास किया गया था और 72 में पास किया गया था, जनवरी का सीज़न चल रहा था, 73 एक्चुअली, तो उस टाइम दो फेज़ में पास किया गया था, और दो फेज़ में कोयला को नेशनलाइज किया गया था। अगर पूछा जाएगा कोयला को नेशनलाइज कितना फेज़ में किया गया था, तो दो फेज़ में किया गया था, पहला फेज़ में कोकिंग कोल और दूसरा फेज़ में नॉन कोकिंग कोल को किया गया था, ठीक है, और ईयर याद रखिएगा 1972, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऑफिशियली 1975 में कोल इंडिया को फॉर्म किया गया था। कोल इंडिया का फॉर्मेशन ऑफिशियल तौर पे 1975 को माना जाता है। जब फॉर्मेशन किया गया था तो कोल इंडिया के पास टोटल 5 सब्सिडरी कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, CMPDIL, NCL, WCL, ECL और BCCL, ये 5 कंपनी थी जो कोल इंडिया के पास हुआ करती थी। एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सब्सिडरी कौन सी है, तो वो है BCCL, BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि 1972 में फाउंड किया गया था, यानी जब कोयला का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था उसी वर्ष BCCL का फॉर्मेशन किया गया था, और कोल इंडिया लिमिटेड से पहले BCCL बना था, ठीक है, इसीलिए BCCL को सबसे प्राचीन और सबसे पुराना कंपनी कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में और कोल इंडिया लिमिटेड में, ठीक है, लेकिन अगर सरकारी कंपनी पूछेगा तो फिर आपको SCCL बताना है, याद रखिएगा। इसके बाद पहली बार 1980 और 81 के बीच में बहुत सारा वासरी बनाया गया था एक्चुअली, ठीक है, मुनीस वासरी, रामगढ़ वासरी, महिला बरोरा, केदला वासरी, ये सभी वासरी बनाए गए थे, ठीक है, जैसे कोयला वगैरह वास होता था, क्रश होता था, है ना, फीडर ब्रेकर के हेल्प से कोयला तोड़ा जाता था और अलग अलग जगह पे भेजा जाता था। उस टाइम रेलवे को बहुत ज़्यादा कोयला का जरूरत पड़ता था, क्योंकि आपको पता होगा कि भाप से चलता था, रेल का इंजन हो या कोई भी गाड़ी हो, भाप से चलता था, कोयला का बहुत ज़्यादा खपत होता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, इसीलिए जितने भी आसपास की कंपनी थी सभी को धीरे धीरे कंपनी अपने में एक्वायर करते गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है वो बहुत विशाल होने लगी, और इसी को विशाल करने के क्रम में NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को 1985-86 में एक्वायर कर लिया गया अपने अंदर में, ठीक है, इसी के साथ MCL का भी फॉर्मेशन हुआ था 1992 और 93 में, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन किया गया था, है ना, तो बेसिकली ऐसे करते हुए धीरे धीरे कोल इंडिया बनी। तो आप देख सकते हैं कोल इंडिया को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगा, 1971 से अगर बात करेंगे तो उसके बाद से लेकर के 85-86 तक एक अच्छा खासा टाइम लगा, धीरे धीरे कोल इंडिया बना, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अवार्ड के बारे में, अवार्ड के बारे में भी बात थोड़ा जान लीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का अवार्ड दिया गया था 2006-07 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इसके बाद फिर इसको अवार्ड को नवरत्न स्टेटस से नवाजा गया था 2008-09 में, और 2011 में उस टाइम कोल इंडिया लिमिटेड को पहला इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था, और साथ ही साथ महारत्न का स्टेटस से नवाजा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का स्टेटस से कब नवाजा गया था, तो वो नवाजा गया था 2011 में, ठीक है। तो अभी टोटल 11 PSU है, 11 पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसको महारत्न का स्टेटस से नवाजा गया है। चलिए मैं 11 कंपनी का नाम फटाफट बता देता हूँ, यहाँ आ गया तो देखिए, व्हेल सेल गेल, ठीक है, व्हेल सेल गेल को लेकर काफ़ी ड्रामा हुआ था, है ना, व्हेल सेल और गेल,
ये तीन कंपनी तो आपको याद रहना चाहिए, व्हेल सेल गेल। गेल व्हेल का मतलब है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल का मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड तो है ही, CIL आपका है ही, है ना। CIL के बाद NTPC है ना, NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके बाद है IOCL, IOCL मतलब आपको पता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेसिकली तेल बेचने वाला जो कंपनी है, IOCL है, ONGC है, BPCL है, ठीक है, HPCL है, ये सब तेल बेचने वाला कंपनी है, ये जो चार कंपनी है। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद एक है PGCIL, ठीक है, PGCIL का मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एक जो कंपनी है PFC, यहाँ पे मैं महारत्न कंपनी का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यानी कि अभी एक नया महारत्न कंपनी बनाया गया PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, 11वां सब्सिडरी कंपनी बनाया गया, टोटल सब्सिडरी मतलब टोटल महारत्न कंपनी, सॉरी महारत्न कंपनी PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को रिसेंटली महारत्न का टैग दिया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करेंगे तो जब इसको अवार्ड मिल गया तो आज का दौर में देखते हैं कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड का स्थिति है। तो कोल इंडिया लिमिटेड पूरी तरह से सेल्फ ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, इसका रिफाइनरी भी है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसके टोटल 8 सब्सिडरी है जिसमें से 7 जो सब्सिडरी है कोयला का प्रोडक्शन करते हैं और एक जो सब्सिडरी है वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। जैसे जो सब्सिडरी है, सातों सब्सिडरी, उसका नाम है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दैट इज ECL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दैट इज BCCL, CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी WCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दैट इज SECL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड दैट इज NCL एंड महानदी कोलफील्ड लिमिटेड दैट इज MCL। 7 है जो कोयला का प्रोडक्शन करता है, कोयला वगैरह खोदा खोदी वाला काम करता है, और एक जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसलिंग प्लानिंग टेक्निकल सपोर्ट वगैरह काम करता है, ठीक है, वो कंपनी का नाम है CMPDIL। तो टोटल मिलाकर के कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कितनी, 8 सब्सिडरी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो जी हाँ वो भी है, ठीक है, जैसे DCC एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है डाकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये सब भी कंपनी ओन करती है कोल इंडिया लिमिटेड। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि NEC आसाम में पड़ता है, इसका मालिक कौन, तो कोल इंडिया लिमिटेड। DCC यानी डाकुनी कोल कॉम्प्लेक्स जो कि SECL के अंडर में आता है, इसका मालिक कौन, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। इसके बाद एक कंपनी है जो कि मोजाम्बिक में है, अफ्रीका में है, इसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेडा, ये एक फॉरेन सब्सिडरी कहा जाता है कोल इंडिया लिमिटेड को, इसका भी कोल इंडिया लिमिटेड ही हिसाब किताब वगैरह सब करती है, ठीक है, टैक्स वगैरह सब वसूलती है जो कि अफ्रीका में। बट अगर पूछा जाएगा सब्सिडरी कितना है तो भूल के भी आपको कुछ और जवाब नहीं देना, 8 ही देना है, होशियारी नहीं करना है कि 10 है, 11 है, 9 है, नहीं, 8 है टोटल सब्सिडरी, 8 है। बाकी जो कंपनी है उसको पाल पोस लेती है कोल इंडिया, NEC को क्या करती है, NEC को पालती है, पोसती है, उसको देखती है, ऑपरेट करती है, गाइड करती है, NEC का अलग से सब कुछ है, ठीक है। इसी तरह से जो DCC के बारे में बताया था, डाकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, वो SECL के अंदर में आता है, SECL उसको एक्वायर कर लिया है। कोल इंडिया ना अफ्रीकाना लिमिटेडा के बारे में जो बता रहे हैं, इसको भी कोल इंडिया लिमिटेड टैक्स वगैरह वसूलती है, रेवेन्यू वसूलती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी नहीं है। इसके बाद सब्सिडरी का भी सब्सिडरी है, जी हाँ सब्सिडरी का भी सब्सिडरी है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ भाई MCL का सब्सिडरी है क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे MCL का सब्सिडरी, हम तो सब्सिडरी सुने था 8 है कोल इंडिया लिमिटेड, नहीं है, ठीक है। और ये सब बहुत डिटेल में इस बुक में दिया गया है, अगर आप चाहेंगे तो इस बुक को ले सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक होगा, बहुत पहले मैंने इसको बनाया था, ठीक है, तो इसमें ये सारा चीज़ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। बाकी मैसेज वगैरह नहीं कीजिएगा ई बुक के लिए, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टामोजो से आपको डायरेक्ट पेमेंट करके डाउनलोड करना है, ठीक है, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, इंस्टामोजो का जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।